तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आप लोग रियली इन्जॉय करेंगे आज के हमारे ब्लॉग को। तो ब्लॉग को देखिएगा लास्ट तक। ये नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। ये सुबह 6:45 हो चुका है और इतनी तेज अभी धूप आई हुई है, देखिए बहुत जल्द धूप आ चुकी है। देखते हैं आप कितनी हरियाली नज़र आ रही है चारों ओर। देखिए सुबह का टाइम है, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल। देखिए मैं भी इसी तरह स्कूल जाया करता था गाइस। देखिए स्कूल के वो दिन याद आते हैं, स्कूल के वो दिन वापस नहीं आ सकते गाइस। स्कूल के दिन भी क्या दिन थे। तो बस देखिए ये है शीशम बाग के जंगल। देखिए गाइस कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पर, रेड कलर के फूल। पहुँचने वाला हूँ अपने पुलिस योगा पार्क में। कुछ ज़्यादा लोग नहीं आए हुए हैं जिम के अंदर, एक्सरसाइज चल रही है। चलिए बने रहिए आज के ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ सार्वजनिक जिम के भीतर और यहाँ पर हमारे सुदामा जो हमारे परम मित्र हैं, ये 72 साल के अंकल को दे रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग। देख सकते हैं आप, ये इनको सिखा रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरह एक्सरसाइज की जाए। एक्चुअली बात यह है कि ये 72 ईयर्स ओल्ड अंकल आज पहली बार इस सार्वजनिक जिम में हीरा नगर में आए हुए हैं और हमारे सुदामा जी दे रहे हैं ट्रेनिंग। किसी को लगे रनिंग हो 72। तो सर आपने अपने आप को मेंटेन रखा है इस एज में भी। डू यू नो हाउ ओल्ड इज ही? 50 ईयर्स ओल्ड। रजत भाई मैं यहाँ हूँ, आज फर्स्ट टाइम घुसाऊंगी इधर। अच्छा, रहे हैं ट्रायंगल पार्क में अक्षय जी के साथ। अक्षय जी हेलो बोल दो हमारे सब्सक्राइबर से। आंटी जी कर रही हैं सफाई। स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा स्पेशल चीजें। अच्छा मैंने सोचा वहाँ पर कोई मंदिर है, आप मत्था टेक रहे हो। हाँ ठीक है, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, आ जाओ गाड़ी से बच के। आ चुके हैं ट्रायंगल पार्क के भीतर। ये है ट्रायंगल पार्क। हाँ अगर कैसा लग रहा है आपको? रश तो है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लोग बाग हैं थोड़ा आपका। अच्छा वाइज देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, आइए हम भी देखते हैं आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, कितनी भीड़ क्यों है भाई साहब। देखिए देखिए गाइस यहाँ पर भीड़ भड़ाका लगा हुआ है, देखते क्या मामला है आखिर। बर्थडे, अच्छा बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। तो पार्क में देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। दीपेन भाई हैप्पी बर्थडे सर। ये चलो थोड़ा दो। चाय किसकी है? दे बैटरी करा दो। ये चाय का जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है आपको। किनका है बर्थडे? किसका? अरे हाँ बर्थडे की बहुत बहुत बधाई है सर। नहीं हो गया बर्थडे जिसका भी है उनको, वन जिनका बर्थडे है उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, अननोन बर्थडे। रही थी बर्थडे पार्टी तो हम भी अननोन बर्थडे पार्टी में शामिल हो गए और हमने भी मिठाई खाई। बहुत मज़ा आया जो है बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने पर। एक भाई साहब की बर्थडे पार्टी थी तो हमने बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन में हम शामिल हो गए। मज़ा आया ना अक्षय जी? बहुत इंजॉय किया, बहुत ही इंजॉय किया। तो राइट मैन राइट पीपल ऑन द राइट टाइम। हाँ देखिए दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो हम जैसे ही पहुँचे पार्क में बर्थडे पार्टी हो रही थी, हमको भी बर्थडे पार्टी में शामिल किया गया और हम शामिल हो गए। तो अक्षय जी अच्छा लगा ना? अक्षय जी के जुम्मा असली जुम्मा बन गया। अच्छा आज आपका असली जुम्मा बन गया, क्या बात है सर, क्या बात है। जुम्मा है आज? हाँ जुम्मा, जुम्मे के दिन
उसने किया था जुम्मे का वादा। हाँ, क्या का वादा किया था? जुम्मे का। अच्छा अच्छा, होगा आपका वादा? मेरा वादा है, उस दूसरे वादा किया था। तो पुलिस चौका पार्क में चलते हैं भाई, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली क्या? अपनी साइड चलिए, गाड़ियाँ आ रही है। हाँ, क्या मार के छुट्टा? मतलब आप सिगरेट भी पीते हो? ये सर, स्मोकिंग जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है ना अक्षय जी? मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप स्मोकिंग ना किया कीजिए, तभी वो आपकी पर्सनैलिटी का राज क्या है, आप तभी स्लिम और ट्रिम है क्योंकि आप स्मोकिंग करते हैं। करते नहीं करते? अच्छा चलिए, कोई बात, तुम्हें पहाड़ी पर लाना हो थोड़ी बात, पहाड़ी में कह दिया यार, थोड़ा लाउड बोलिए। तुम्हारा पहाड़ कहाँ पे भाई साहब? पहाड़ का सरपत खान लोग, सरपत जवान लोग। सरपत मतलब कहाँ भैया? सरपत कहाँ पढ़ूँ? जोशी, जोशी हुई सर, बहुत फुलवाल जोशी। अच्छा, फुलवाल जोशी जो था तुम? अरे ये तुम्हारा जो गाँव है ना, कहाँ पढ़ूँ? अलमोर से 13 किलोमीटर आगे से हमारे गाँव सोमेश्वर। अरे सोमेश्वर में पढ़ूँ? घाटी से सोमेश्वर। अरे मैं जा रही सोमेश्वर गाँव से सर। अच्छा, बहुत पुराने वो मंदिर जी, शिव जय मंदिर, एंशिएंट मंदिर, बहुत प्राचीन। वही तुम्हारे गाँव है? गाँव में जाते रहो। अच्छा, बोले बहुत देर में चाचा? साल में एक दो बार चक्कर लग रही है। अरे साल में एक दो बार चाचा, ठीक ठीक जान चाहे यार, बोला अपन पहाड़ ला जान चाहे ना। चलिए गाइस, मिलते हैं सनवाल जी के, व्लॉगर श्री सनवाल जी आए हुए हैं जो हमें व्लॉग बनाने के लिए अच्छी सलाह भी देते हैं। तो सर कुछ कहिए हमारे सब्सक्राइबर से। चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मुहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। क्या बात है, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, एहसान होगा आपका दोस्त। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी कर लीजिएगा, नीरज सनवाल सिंगिंग मेरा चैनल है, उसमें गाने गाता हूँ और एक ब्लॉग का भी है, नीरज सनवाल ब्लॉग, और भैया का भी है गोकुल कविता ब्लॉग्स है, गोकुल कविता ब्लॉग्स, गोकुल कविता करके ब्लॉग्स है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, लगे पड़े रहते हैं। सूरज आया, सूरज नहीं आया, तुम तो गोकुल हुए, सूरज हुआ। हाँ, गोकुल सूरज दो जने हैं इनका, दोनों की लो एक कैट की। ये देखिए कितनी प्यारी कैट है भाई, देखिए खरगोश जैसा नहीं लग रहा है सर? हाँ कहा खरगोश लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल खरगोश जैसा लग रहा है, बहुत टेस्टी कैट है ये। टेस्टी कैट का देखिए कितनी टेस्टी कैट है, ये देखिए मैं तो उसका नाम टेस्टी कैट रखूंगा। ये देखिएगा इस कितनी प्यारी बिल्ली है, ये देखिएगा सर, इसको कुछ हुआ तो नहीं है इस तरीके की हरकत के ऊपर? नहीं, नहीं, इसलिए कर रही, थोड़ा बीमार पड़ जाती है ना, तो घास के बीच बैठी है तो कुछ, अरे वो कुछ अभी घास चाटेगी, जड़ी बूटी खाती इनको है, इनको जब तकलीफ होती है जड़ी बूटियाँ चाट के, ऐसी घास को चाट के वो ठीक कर लेते हैं। हाँ, इनकी खासियत होती है। तो देखिए बिल्ली बीमार हुई है, अपनी जड़ी बूटी खुद जो है ढूंढ रही है, उसके बाद जड़ी बूटी लेगी और बिल्ली स्वस्थ हो जाएगी। देखो ये देखो बैठ के ला रही है, देखिए धारे का पानी, ठंडा ठंडा धारे का पानी पिया। अभी सनवाल जी आगे बहुत मजा आ गया, बिल्कुल लग रहा पहाड़ में आए हैं नैनीताल में। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।